नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जिले के थरिया क्षेत्र सीतापुर गेहूं क्रय केंद्र निरीक्षण करने पहुंचे फतेहपुर एडीएम साहब। कुछ जानकारी कर पाते कि मौसम के मिजाज बिगड़ते देख पहले गेहूं को तिरपाल से ढकने के लिए कहा और पानी की बूंदें पड़ते देख उल्टे पैर वापस लौट कर जाते समय कोहनन से बालू घाट से ओवरलोड ट्रक थरिया कस्बे में पहुंचे और रोड खराब होने और जलभराव के कारण जाम में एडीएम साहब की गाड़ी फंसी रही और साहब जाम खुलने का इंतजार करते रहे। बड़ी विडंबना है कि अधिकारियों के सामने ऐसी स्थिति रोड की और ओवरलोड ट्रक फिर भी अधिकारी मौन, कारण क्या है? आप लोगों को बताते चले कि हुसैनगंज क्षेत्र में आंधी पानी ने तो किसानों की केले वाली फसल को भारी नुकसान पहुँचाया है और वही विद्यालय की दीवार घटिया सामग्री से बनी पूरी पलट गयी। आप लोगों को बता दें कि बालू से भरे ओवरलोड वाहनों की आवाजाही से रोड तो गलियारों में तब्दील हो गई है, लेकिन उन्हीं सड़कों से अधिकारियों का आना जाना होता है और कभी कभी तो जाम में फंस भी जाते हैं। ऐसा ही कुछ आज एडीएम साहब के सामने हुआ। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़कास्ट ब्यूरो संजय पटेल के साथ थानिल कुमार की रिपोर्ट फतेहपुर से। नहीं नहीं